नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय सियाराम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान का आंदोलन। राजस्थान के आंदोलन के अंतर्गत राजस्थान के प्रजामंडल अब हम पढ़ेंगे। लेकिन राजस्थान के प्रजामंडल पढ़ने से पहले, राजस्थान स्वतंत्र भारत, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित हुई थी, ये जानना हमें बहुत आवश्यक है। इनसे रिलेटिव बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इन संस्थाओं से रिलेटिव, कि कौन सी संस्था की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा स्थापित हुई थी और इस संस्था का क्या उद्देश्य था, ये हमें जानना है। इस वीडियो के अंदर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व कितनी संस्थाएं स्थापित हुई, इन्होंने स्वतंत्रता में क्या योगदान दिया, किसके द्वारा ये संस्थाएं स्थापित की गई, किस जगह पर स्थापित की गई और क्या क्या इनका योगदान रहा, क्या इनका उद्देश्य था, ये सब हम इस वीडियो के अंदर आज जानेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं राजस्थान हिस्ट्री से, राजस्थान ज्योग्राफी के, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पर हमने सारे वीडियोस क्लास वाइज अरेंज कर रखे हैं। अभी तक आपने अगर वो नहीं देखे तो आप उन क्लास के प्लेलिस्टों में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा राजस्थान के प्रजामंडल हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा। और प्रजामंडल से पहले, पढ़ने से पहले हम इसमें जानेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित हुई थी, क्या क्या संस्थाएं किस किस जगह पर स्थापित हुई थी, उन संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में आंदोलन, राजस्थान के में जो आंदोलन हुए उन आंदोलनों को हम तीन श्रेणियों में बांट के पढ़ते हैं। पहली श्रेणी किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, दोनों ही किसान आंदोलन है पर जनजातियों के, जनजाति के द्वारा किए गए आंदोलनों को जनजातीय आंदोलन कहा गया है और एक आम किसान के द्वारा, यानी कि जनजाति से उच्च वर्ग के किसानों के द्वारा किए गए आंदोलनों को किसान आंदोलन का नाम दिया गया। इसके अलावा दूसरे तरह का आंदोलन हुआ प्रजामंडल आंदोलन, और तीसरी तरह का जो आंदोलन हुआ वो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। ये तीन तरह के आंदोलनों को में बांट के हम राजस्थान के सभी आंदोलनों को हम पढ़ते हैं। तो किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलनों के अंदर क्या हुआ था, ये किसानों के द्वारा किए गए थे और जागीरदारों के विरुद्ध किए गए थे। लगान, लाग बाग, लाटाकूटा, बेगारी प्रथा से परेशान होकर किसानों ने ये आंदोलन किए थे और जागीरदारों के या सामंतों के विरुद्ध ये आंदोलन हुए थे। इसके बाद प्रजामंडल आंदोलन की बात करें तो प्रजामंडल आंदोलन जो है रियासत या राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए हुए थे। राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से ये आंदोलन हुए थे। जनता उत्तरदायी शासन का मतलब जनता का शासन जनता के लिए स्थापित करने के उद्देश्य से ये शासन, ये आंदोलन हुए थे। इसके अलावा तीसरी तरह का जो आंदोलन हुए थे वो स्वतंत्रता आंदोलन थे, जो कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों के द्वारा किए गए थे। प्रजामंडल आंदोलन राजा और रियासतों के विरुद्ध थे, जनता के द्वारा किए गए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन किए गए थे। तो हम, क्योंकि हमारा टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन के अंतर्गत ही हम आज जो है विभिन्न संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये प्रजामंडल आंदोलन रियासत या राज्यों के में हुए थे, विभिन्न राज्यों के अंदर विभिन्न रियासतों में हुए थे। स्वतंत्र सरकार या कहें कि जनता की सरकार या उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए जो है ये आंदोलन हुए थे। राज्य में राजा का शासन समाप्त करके जनता का शासन स्थापित करना ही इस
इन आंदोलनों का उद्देश्य था, क्योंकि जनता जो है सामंतों से परेशान थी, टैक्सों से परेशान थी, करों से परेशान थी, कुल मिला के, और जो सामंत थे वो राजा के अधीन थे, इसलिए जनता ने राजाओं के विरुद्ध ये सारा जो है आंदोलन किया था। प्रजामंडल आंदोलन क्या होता है? राज्य या रियासत की जनता के द्वारा राजा के राजा के अथवा शासन प्रणाली के विरुद्ध एक उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए यह आंदोलन किया गया था। यानी कि कुल मिला के जो जनता थी, वो जनता का जो टच था वो था जागीरदार से। जागीरदार जनता पे सीधा शासन करता था, या जागीरदार के सैनिक जनता पे अत्याचार करते थे और उनसे कर वसूलते थे। जागीरदार से कर वसूलता था राजा, और राजा से कर वसूलते थे अंग्रेज। कुल मिला के रेस्पॉन्सिबल तो अंग्रेज ही थे, लेकिन आम जनता का जो सीधा जुड़ाव होता था वो जागीरदार से, सामंतों से, या नंबरदारों से, या ठिकानेदारों से, या राजाओं से होता था। आम जनता पहले, सबसे पहले इनसे त्रस्त थी, जितनी अंग्रेजों से नहीं थी जितनी इनसे थी। रीजन कि अंग्रेज राजाओं पर शिकंजा कसते थे, राजा जागीरदारों पर शिकंजा कसते थे, और जागीरदार आम जनता पर शिकंजा कसते थे। इसलिए पहले इन सामंतों से मुक्ति दिलाने के लिए, स्वतंत्रता से भी पहले इन सामंतों से मुक्ति दिलाने के लिए ये प्रजामंडल आंदोलन चलाए गए। लेकिन प्रजामंडल आंदोलन से पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं कहां कहां पर किस किस के द्वारा स्थापित की गई। सबसे पहले हम बात करेंगे राजपूताना मध्य भारत सभा की। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी। ये इसके संस्थापक कौन कौन थे? ये अखिल भारतीय स्तर पर जो है संस्था स्थापित हुई थी, राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 ईस्वी में हुई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, चांदकरण सारदा, शेठ जमुनालाल बजाज, देव सरस्वती और गिरिधर शर्मा, ये इसके संस्थापक सदस्य थे। यानी कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई। इसके संस्थापक सदस्यों के नाम गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, चांदकरण शारदा, शेठ जमुनालाल बजाज, देव सरस्वती, गिरिधर शर्मा थे। इसका जो मुख्यालय रखा गया था, ये जो स्थापना हुई है इसकी, दिल्ली के चांदनी चौक में हुई थी। दिल्ली के चांदनी चौक पर स्थित मारवाड़ लाइब्रेरी में इस सभा की स्थापना हुई थी। यानी कि इस सभा की जो स्थापना हुई है, दिल्ली के चांदनी चौक में एक बिल्डिंग है, एक भवन है, एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का नाम है मारवाड़ लाइब्रेरी। तो मारवाड़ी लाइब्रेरी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी राजपूताना मध्य भारत सभा की। लेकिन बाद में इसका मुख्यालय जो है कानपुर के अंदर कर दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मुख्यालय इसका कानपुर उत्तर प्रदेश में था। इस संस्था का क्या उद्देश्य था? इस संस्था का उद्देश्य था रियासतों या राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए सभा की स्थापना की थी। इस सभा की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य रियासतों और राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसके बाद एक दूसरी सभा का नाम आता है, दूसरी संस्था का नाम आता है, वो है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी, बड़धा महाराष्ट्र के अंदर की गई थी, जिसे बाद में 1920 में अजमेर स्थानांतरण कर दिया गया था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में बड़धा महाराष्ट्र में की गई थी, 1920 में इसे स्थानांतरित करके अजमेर में स्थानांतरण कर दिया गया था। इसकी स्थापना करने वाले सदस्यों में विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारेट और सेठ जमुनालाल बजाज थे। सेठ जमुनालाल बजाज ने वित्तीय पोषण किया था, वित्तीय सहायता दी थी इस संस्था को। इसका मुख्य उद्देश्य राजा और जागीरदारों तथा प्रजा के मध्य मधुर संबंध स्थापित होंगे, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार करना भी इस संस्था का उद्देश्य था। इस संस्था के दो प्रमुख उद्देश्य थे,
एक तो राजा और जागीरदार तथा प्रजा के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना और जनता में राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार करना, ये इस संस्था का उद्देश्य था। इसके बाद इस संस्था के द्वारा कुछ समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। वो समाचार पत्र थे, एक राजस्थान केसरी नाम का एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ सबसे पहले 1920 से वर्धा महाराष्ट्र से। वर्धा महाराष्ट्र से 1920 में राजस्थान केसरी नाम का समाचार पत्र स्थापित किया गया, जिसका संपादन जो है सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा, जिसको सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी और इस संस्था को वर्धा से अजमेर में भी इसको बाद में स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद में नवीन राजस्थान सन 1921 में निकला था, ब्यावर अजमेर में इसका मुख्यालय था और इसके जो संपादक थे वो संपादक थे राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी ने नवीन राजस्थान का संपादन किया था, 1921 से निकलना प्रारंभ हुआ था ब्यावर के अंदर अजमेर। जब इस समाचार पत्र पर रोक लग गई थी तो इसके बाद में तरुण राजस्थान नाम का समाचार पत्र निकाला 1923 ईस्वी में, ये भी ब्यावर से निकाला अजमेर के अंदर से ही। संपादन इसका जो संपादन करता थे वो जय नारायण व्यास थे, क्योंकि जय नारायण व्यास को 1923 के दौरान मारवाड़ राज्य से निष्कासित कर दिया गया था, इन्हें मारवाड़ में प्रवेश पर रोक लगा दी थी, तो ये जो है अजमेर के अंदर रहने लगे थे और तरुण राजस्थान के संपादक के तौर पर कार्य करने लगे थे। इसके बाद में बात करते हैं मारवाड़ सेवा संघ की। एक मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1920 ईस्वी में, की गई थी मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। मारवाड़ के कहते हैं कि मारवाड़ की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, ऐसा कहा जाता है मारवाड़ सेवा संघ के बारे में जो कि 1920 में स्थापित हुई है कि यह मारवाड़ की प्रथम राजनीतिक संस्था है। यह राजस्थान सेवा संघ से जुड़ी हुई थी, राजस्थान सेवा संघ से जुड़ी हुई संस्था थी। संस्थापक इसके कौन कौन थे, तो इसके संस्थापक थे दुर्गा शंकर, प्रयागराज, जयनारायण व्यास और भमरलाल, ये इसके संस्थापक सदस्य थे। दुर्गा शंकर, प्रयागराज, जयनारायण व्यास और भमरलाल जो है मारवाड़ सेवा संघ के संस्थापक सदस्य थे, 1920 में स्थापित हुई। इसके बाद अगली संस्था की बात करें तो अगली संस्था है बांगड़ सेवा संघ। बांगड़ प्रदेश में स्थापित हुई थी। बांगड़ कहाँ पर है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को बांगड़ कहते हैं। बांगड़ सेवा संघ की स्थापना 1921 में हुई थी और भोगीलाल पांड्या के द्वारा स्थापित यह संस्था है। भोगीलाल पांड्या को बांगड़ का गांधी के नाम से भी जानते हैं। बांगड़ का गांधी किसको कहते हैं, भोगीलाल पांड्या को। ये गांधी के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति थे, गांधी के भक्त थे। बांगड़ सेवा संस्था की स्थापना 1921 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई, इन्हें बांगड़ का गांधी भी कहते हैं। बांगड़ क्षेत्र के लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। यह संस्था भी राजस्थान सेवा संघ से जुड़ी हुई संस्था थी, राजस्थान सेवा संघ से जुड़ी हुई संस्था थी ये भी। इसके बाद बात करते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा की। एक मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना होती है 1918 ईस्वी में। इसके संस्थापक सदस्य हैं चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा इसके संस्थापक हैं, इन्होंने स्थापना करी मारवाड़ हितकारिणी सभा की। मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है अल्प समय में ही इस संस्था को निष्क्रिय हो गई थी। ये संस्था निष्क्रिय सिर्फ इसलिए हो गई थी कि इसको वहां की सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था, यानी कि मारवाड़ हितकारिणी सभा को वहां की सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था, इसलिए ये संस्था जो है कुछ ही समय के बाद निष्क्रिय हो गई थी, ये काम नहीं करने लगी। 1923 ईस्वी में इस संस्था को पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया। 1923 में पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया इस संस्था को, मारवाड़ हितकारिणी सभा को। 1922
में जोधपुर में इस संस्था का प्रथम अधिवेशन बुलाया गया था, लेकिन सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था 1922 में, यानी कि 1918 में स्थापित हुई। 1918 में स्थापना होने के बाद पहला अधिवेशन 1923 ईस्वी में बुलाया गया था इसका, 22 में नहीं, मैं 22 कह गया हूँ, 1923 है। 1923 ईस्वी में जोधपुर के अंदर इस संस्था का प्रथम अधिवेशन बुलाया गया था, लेकिन सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी, तो ये संस्था जो है ज्यादा नहीं चल पाई थी, अल्प समय तक के लिए चली थी। इसके बाद बात करते हैं हम अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी और बंबई के अंदर हुई थी। तत्कालीन मुंबई को, वर्तमान मुंबई को उस समय बंबई कहते थे, मुंबई बंबई नाम था पहले, आप समझते हैं बंबई मुंबई एक ही है, आज भी ज्यादातर लोग बंबई ही कहते हैं मुंबई को। यस, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक सेवा परिषद की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में ही हुआ था, बंबई महाराष्ट्र में है। और कार्यकारी जो अध्यक्ष बनाए गए थे इसके, जयनारायण व्यास और कन्हैया लाल सेठिया, ये दो है दोनों कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, कन्हैया लाल व्यास और फिर कन्हैया लाल सेठिया को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस संस्था का उद्देश्य जो है प्रांतीय शाखाओं का गठन करना था और रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना भी इस संस्था का उद्देश्य था। ये जो संस्था पढ़ रहे हैं हम, जितनी भी संस्थाएं पढ़ रहे हैं, सारी की सारी संस्थाएं जो है प्रजामंडल से संबंधित हैं, क्योंकि सब संस्थाओं का उद्देश्य उत्तरदायी शासन को स्थापित करना था। तो इस संस्था का भी उद्देश्य जो है उत्तरदायी शासन स्थापित करना था और प्रांतीय जो है शाखाओं का गठन करना इसका उद्देश्य था। इस संस्था का प्रांतीय अधिवेशन अजमेर में राम नारायण चौधरी ने बुलाया था, यानी कि राम नारायण चौधरी के द्वारा अजमेर के अंदर इस संस्था का प्रांतीय अधिवेशन बुलाया था। कराची में 1936 ईस्वी में अधिवेशन में जयनारायण व्यास ने भाग लिया था। कराची के 1936 के अधिवेशन में जयनारायण व्यास के द्वारा भाग लिया गया था। जयनारायण व्यास कराची गए थे अधिवेशन में भाग लेने के लिए। इसके बाद अगली संस्था की बात करें तो वो अगली संस्था है मारवाड़ राज्य लोक परिषद। मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना 1923 सॉरी 29 ईस्वी में हुई। मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई। यह संस्था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की एक शाखा थी। जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की संस्था थी उसका मुख्य कार्य था कि राज्य में शाखाएं स्थापित करना, तो उसकी एक शाखा के तौर पर स्थापित हुई थी मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी इसकी। जयनारायण व्यास के द्वारा यह संस्था स्थापित की गई थी और 1940 में यह मारवाड़ सरकार ने इस संस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया था और इस संस्था पर भी रोक लगा दी थी। 1940 ईस्वी में इस संस्था को गैर कानूनी घोषित करके इस संस्था पर रोक लगा दी थी मारवाड़ की सरकार के द्वारा। सरकार का मतलब होता है वहां की राजा और उनकी शासन व्यवस्था को सरकार कहते हैं, जो है राजा के द्वारा या राजा के अधीनस्थ शासकों के द्वारा, राजा के पास में जो प्रधानमंत्री मंत्री होते थे राजा के, उन मंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को, राजा को, इस सबको मिला के सरकार कहते थे। तो वहां की सरकार ने, यानी कि वहां के शासकों ने 1940 ईस्वी में इस संस्था पर रोक लगा दी थी मारवाड़ राज्य लोक परिषद पर। 1929 में स्थापित हुई, 1940 में इस पर रोक लगा दी थी। मारवाड़ राज्य में राजनीतिक चेतना जागृत करने तथा उत्तरदायी शासन की मांग करने का कार्य किया था इस संस्था ने। इस दौरान जो है संस्था के द्वारा राजनीतिक चेतना जागृत करना और उत्तरदायी शासन की मांग करना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं
सर्वहितकारिणी सभा के, एक सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में। इस सभा की स्थापना चूरू के अंदर की गई थी और चूरू में गोपाल दास के द्वारा, गोपाल दास स्वामी के द्वारा स्थापित की गई थी ये संस्था जो है सर्व हितकारिणी सभा, गोपाल दास स्वामी के द्वारा। इसका प्रमुख कार्य जो था वो सामाजिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में इसकी प्रमुख भूमिका थी। इसका प्रमुख कार्य, इसने सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया था और शिक्षा के क्षेत्र में भी इसने कार्य किया था। यह एक सामाजिक और शैक्षणिक संस्था थी। इस संस्था ने पुत्री और कबीर नाम की दो पाठशालाएं स्थापित की थी, यानी कि सर्व हितकारिणी सभा के द्वारा पुत्री और कबीर नाम की दो पाठशालाएं स्थापित की गई थी सर्व हितकारिणी सभा के द्वारा। इस संस्था के द्वारा दो नाटक भी मंचित किए गए थे। वो दो नाटक कौन कौन से थे? धर्म विजय और सत्य विजय। धर्म विजय और सत्य विजय नाम के दो नाटक भी इस संस्था के द्वारा मंचित किए गए थे। दोबारा से देख लें एक बार इस संस्था को। सर्व हितकारिणी सभा चूरू के अंदर स्थापित हुई थी 1907 ईस्वी में, गोपाल दास स्वामी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है इस संस्था का, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र की संस्थाएं थी, इस क्षेत्र में कार्य करते थे। इस संस्था ने दो पाठशालाओं का स्थापना की। उन पाठशालाओं का नाम था पुत्री और कबीर। एक पहली पाठशाला का नाम पुत्री था और दूसरी पाठशाला का नाम कबीर था। इस संस्था के द्वारा जो है कुछ नाटक मंचित किए गए, दो नाटक मंचित किए गए थे। वो नाटक थे धर्म विजय और सत्य विजय नाम के, दो नाटक भी इस संस्था के द्वारा मंचित किए गए। इसके बाद में एक और संस्था आती है, सद विद्या प्रचारणी सभा। सद विद्या प्रचारणी सभा जो है बीकानेर में स्थापित की गई थी। बीकानेर में क्रांतिकारी युवकों के द्वारा स्थापित की गई थी। स्थापना किसने करी? क्रांतिकारी युवकों ने। बीकानेर के क्रांतिकारी युवकों ने 1920 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना करी थी, सद विद्या प्रचारणी सभा के। ये सभा जो है रिश्वतखोरी तथा अन्याय के विरुद्ध इस संस्था ने आंदोलन चलाया था। रिश्वतखोरी के विरुद्ध और अन्याय के विरुद्ध जो है इस संस्था के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। इस संस्था ने दो नाटकों को सर्वाधिक मंचन किया था। इस नाटक संस्था के द्वारा बार बार मंचन किया गया था दो नाटकों का। वो दो नाटक कौन से थे? वही दो नाटक थे जो इससे पहले पढ़े हमने, धर्म विजय और सत्य विजय। धर्म विजय और सत्य विजय, इन नाटकों को बार बार मंचन किया गया। इन नाटकों के द्वारा जनता में जागृति पैदा करने का कार्य किया इस संस्था ने, सद विद्या प्रचारणी सभा ने। इसके बाद बात करते हैं गांधी आश्रम। गांधी आश्रम हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर में स्थापित किया था। हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा ये स्थापित संस्था है। मारवाड़ यूथ लीग, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी जोधपुर के अंदर। ये छोटी छोटी संस्थाएं, इसमें केवल स्थान नाम याद रखने हैं। जैसे गांधी आश्रम हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा अजमेर में स्थापित किया गया था। मारवाड़ यूथ लीग, ये यहाँ के यूथ लोगों के द्वारा, यूथ क्रांतिकारियों के द्वारा स्थापित था जोधपुर में 1931 के अंदर। अगला है बाल भारत सभा। तो बाल भारत सभा की स्थापना भी 1931 में ही की गई। अगला है महिला शिक्षा सदन। महिला शिक्षा सदन की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी अजमेर में। ये भी हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा अजमेर के अंदर स्थापित की गई थी महिला शिक्षा सदन। और हरिभाऊ उपाध्याय ने ही गांधी आश्रम की भी स्थापना की थी। गांधी सेवा संघ की स्थापना भी हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी अजमेर में। गांधी सेवा संघ की स्थापना भी हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा ही की गई थी अजमेर के अंदर। और भी कुछ संस्थाएं हैं जैसे चरखा संघ। चरखा संघ की स्थापना सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। सेठ जमनालाल बजाज ने 1927 ईस्वी में जयपुर में स्थापना की थी इसकी।
सेठ जमनालाल बजाज मूलतः सीकर के रहने वाले थे, पर सीकर जो है उस समय जयपुर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1927 में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी जयपुर के अंदर। एक है हरिजन समिति, हरिजन समिति की स्थापना 1935 में की थी। हरिजन संघ की स्थापना 1935 ईस्वी में डूंगरपुर में की थी भोगीलाल पांड्या के द्वारा। डूंगरपुर के अंदर भोगीलाल पांड्या के द्वारा हरिजन समिति की स्थापना की थी। एक वनवासी संघ की स्थापना की थी 1936 ईस्वी में, मोतीलाल के द्वारा स्थापित है संस्था उदयपुर के अंदर। वनवासी संघ की स्थापना मोतीलाल के द्वारा उदयपुर में स्थापित की गई थी। मित्र मंडल संस्था की स्थापना 1923 ईस्वी में की थी, गोविंद देव तिवाड़ी के द्वारा स्थापित की गई थी संस्था झालावाड़ के अंदर। मित्र मंडल संस्था 1923 में गोविंद देव तिवारी के द्वारा झालावाड़ में स्थापित की गई थी। इसके अलावा वीर भारत सभा की स्थापना 1910 ईस्वी में की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा, गोपाल सिंह खैरवा और केसरी सिंह बारेठ, इन तीन लोगों ने स्थापना की थी वीर भारत सभा की 1910 ईस्वी में। विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा या और केसरी सिंह बारेठ, इनके द्वारा स्थापित संस्था है वीर भारत सभा। ये क्रांतिकारियों की सभा भी इस कहते हैं, इस सभा को वीर भारत सभा को क्रांतिकारियों की सभा भी कहते हैं। इसके अलावा बांगड़ सेवा मंदिर स्थापना की थी। बांगड़ सेवा संस्थान अलग था और बांगड़ सेवा मंदिर अलग है। तो बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना 1935 ईस्वी में की थी भोगीलाल पांड्या के द्वारा और गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा। भोगीलाल पांड्या और गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना की गई थी 1935 ईस्वी में, डूंगरपुर के अंदर की गई थी ये भी। एक है सेवा संघ, केवल सेवा संघ है। सेवा संघ की स्थापना 1938 में की गई थी, भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी, डूंगरपुर के अंदर की गई थी। भीलों में राजनीतिक चेतना और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित संस्था थी सेवा संघ जो है। भीलों में राजनीतिक चेतना का प्रचार करना तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए संस्था स्थापित की गई थी भोगीलाल पांड्या के द्वारा। भोगीलाल पांड्या के द्वारा जितनी भी संस्थाएं स्थापित की गई हैं वो ज्यादातर डूंगरपुर के अंदर ही स्थापित की गई। इसके बाद में बात करते हैं खांडलाई संस्थान थी, खांडलाई आस्तम संस्था की स्थापना जो है शागबाड़ा के अंदर की गई थी माणिकलाल वर्मा के द्वारा। 1934 ईस्वी में स्थापित हुआ था खांडलाई आश्रम जो है, आश्रम है ये खांडलाई आश्रम। खांडलाई आश्रम की स्थापना सागबाड़ा के अंदर की गई थी। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है खांडलाई आश्रम सागबाड़ा के अंदर किया गया था। सागबाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, माणिकलाल वर्मा के द्वारा स्थापित स्थापना की गई थी इसकी 1934 ईस्वी में स्थापित ये संस्था है। अगला है सस्ता साहित्य मंडल। सस्ता साहित्य मंडल नाम की एक संस्था है, अजमेर के अंदर स्थापित की गई थी हरी भाऊ उपाध्याय के द्वारा। हरी भाऊ उपाध्याय के द्वारा सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की गई थी। एक सत्याग्रह आश्रम भी स्थापित किया गया था। सत्याग्रह आश्रम 1921 में वर्धा महाराष्ट्र में स्थापित किया था सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा। सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी 1921 के अंदर। दोस्तों ये थी हमारी कुछ प्रमुख संस्थाएं जो कि बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार में आपको याद नहीं होंगी, इनको कम से कम 4-5 बार इस वीडियो को आप जरूर देखें। ये संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन से यहां से बनता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। जिन लोगों ने हमारा वीडियो सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें और हमारे वीडियोस को भी लाइक करें।
वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।